अस्सलाम वालेकुम गाइस, चैट विद मारिया के साथ वेलकम बैक। आज हम व्लॉग लेकर आए हैं बहुत देर बाद, बहुत अरसे बाद। पहले मैंने मिनी व्लॉग डाला था, लेकिन अब हम आज बहुत अच्छी एक रेसिपी बना रहे हैं। वैसे तो ये सब लोगों को आता होगा, लेकिन आज हम लोगों ने सोचा है कि हम बांग्लादेश में भी ये बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश में मैं इतने ढूंढे हैं, मुझे समोसे नहीं मिलते थे, तो आज हमने समोसे बनाने की कोशिश की है। तो आप लोग भी घर पर ट्राई करेगा, आप लोगों को मुझे लगता है शायद पसंद आएंगे। रेसिपी मैंने ऐसे बनाई नहीं है, बट मैं आप लोगों के साथ, अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो आप लोग मेरे साथ साथ रहें और इससे फॉलोअप करें और इस व्लॉग का एंड तक मेड बाय मी। इसने आटा गूंदा है और ये रोटियां बनाई है। मुझे दूसरे काम में बुला लिया, इसलिए मैंने एक रोटी बनाई है और वो भी सर्कल पूरा गोल बनाई है। ठीक है, इसने सारे समोसे बनाए, हमने कुछ नहीं बनाया। हालांकि मुझे नहीं आता, बट मैंने थोड़ा सी भी तो कोशिश की ना, वही बहुत है। ये सारा तूने बनाया? मैं कुछ काम नहीं करती, मैं चटनी बना रही हूँ। लोग मुझे क्या समझते मुझे नहीं पता, बट मैं बहुत अच्छी तरह से काम करती हूँ, जो भी करती हूँ मतलब दिल से करती हूँ। हम इसको फ्राई करेंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं फ्राई करते हुए। समोसे फ्राई करना हमारा शेष हो गया। शेष मतलब खत्म हो गया, बट बहुत टाइम लगा। उतना भी नहीं लगा। हाँ, जल्दी हो गया। बस बनाने मटेरियल बना के, समोसे बना के अगर फ्रिज में रखे हो ना, और कोई मेहमान वगैरह आए या खुद खाने हो, तो बस बंदा निकाल के फ्राई करके खाते हो। और सिर्फ एक वो मेरा स्पेशल चटनी, हमारे समोसे, खाना पीना सारा कुछ खत्म हो गया है और अब हम अपनी मम्मी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और ये आज का व्लॉग इसी के साथ ख़त्म होता है और आप लोग मेरा व्लॉग पूरा एंड तक देखेगा। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ अभी जाके मुझे सब्सक्राइब करें, मैं चिट चैट विद मारिया के साथ, और हमें फॉलो करते रहें। और इसके साथ ही हम लोग नए नए व्लॉग्स लेके आते रहेंगे। बाय बाय।